जीएसटी इनवॉइसिंग एंड फाइलिंग करना है आसान। बुककीपर के साथ 1 लाख बिजनेस ओनर्स का भरोसेमंद साथी। आज ही ऐप डाउनलोड करें और पाएं 14 दिन फ्री ट्रायल। हेलो दोस्तों, मैं हूं मुनीश देवगन, मेरे साथ प्रथम मिश्रा हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव दिल्ली में करीब आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं की जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। जहां रैलियों में एक दूसरे पर आरोप लग रहे थे, अब वो आरोप ट्विटर पर पहुंच गए हैं। तो प्रथम सबसे पहले ट्विटर पर आप हमें बताइए, अमित शाह ने जो ट्वीट किया सर, क्या था वो? ये जो कल जो रैली थी अमित शाह जी की, उस दोनों ही रैलियाँ काफ़ी पास में थी, अरविंद केजरीवाल भी पास में रैली कर रहे थे, लेकिन मामला जो है वो ट्विटर पे जाके गरमाया, वहाँ पे नहीं गरमाया। तो अमित शाह जी ने वहाँ पे एक सवाल किया था कि केजरीवाल जी आपने कहा था पूरी दिल्ली में फ्री वाईफाई कर दूंगा, मैं रास्ते में वाईफाई ढूंढ रहा था, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई, वाईफाई नहीं मिला। ये जो था ये अमित शाह का ट्वीट था। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल का जो रिप्लाई था वो काफ़ी मज़ेदार था, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ह्यूमर से भरा हुआ था। आपको चलिए मैं बताता हूँ कि इस पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्या ट्वीट किया। सर, हमने फ्री वाईफाई के साथ फ्री बैटरी चार्जिंग का भी इंतज़ाम कर दिया है, दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है। ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह के ट्वीट पर जो रिप्लाई किया, बीजेपी दिल्ली ने जो ट्वीट किया था उस पर ये रिप्लाई था। इसके बाद इसमें कई सारे लोग जुड़ते गए, कई सारे जवाब आते गए। इसके बाद एक ये भी था मामला जिसमें अमित शाह ने एक और सवाल उठाया था जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिया, और इसमें मनीष सिसोदिया भी जुड़ते गए। इसमें ये ट्वीट ये था कि स्कूल से रिलेटेड था, ये कि स्कूल कितने बने, आपने दावा किया था कि 1000 स्कूल आप बनाएंगे, ये दावा करने की बात कही गई थी, ऐसा अमित शाह ने लिखा। लेकिन 1000 स्कूल नहीं बने, जो हैं वो भी अच्छी स्थिति में नहीं। इसका जवाब पहले अरविंद केजरीवाल जी ने दिया कि स्कूल बन गए हैं, आके देखिए एक बार, और कोई सुझाव हो तो आप भी दीजिए। जिसके बाद इस पर मनीष सिसोदिया की भी प्रतिक्रिया आई। मनीष सिसोदिया की जो प्रतिक्रिया थी वो भी हम आपको बताते हैं। मनीष सिसोदिया जी ने इसी पे सवाल करते हुए कहा कि देश के गृह मंत्री जी को मेरा निमंत्रण है, पड़पड़गंज विधानसभा में रोड शो के लिए तो आएंगे ही, किसी से ही पूछ लीजिएगा, शानदार सरकारी स्कूल दिखाएंगे। आज भी सर रैली जो हुई है इसमें भी 2-3 सवाल बीजेपी वालों ने केजरीवाल जी से पूछ लिए हैं। पहला सवाल मनोज तिवारी जी ने पूछा है। मनोज तिवारी का सवाल है कि ये चुनाव आया तो एक नारा आया कि अच्छे बीते 5 साल, अब उनके साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो विरोधी हैं जिनको वो भाड़े पर लाए हैं, ऐसा ये उन्होंने लिखा कि अगर 4 साल तक काम ही नहीं करने दिया तो 5 साल कैसे बीते। तो ये वॉर कहीं ना कहीं मुझे लगता है ट्विटर पर अब चल रही है, ट्विटर पे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है वॉर। ये अभी जस्ट 20 मिनट पहले एक ट्वीट और आया है। अगर आप सोशल मीडिया का समर्थन करते हो तो आप देश को सुरक्षित करने में मोदी जी के वादे का समर्थन कर रहे हो, तो बड़ा दिलचस्प हो गया प्रथम कि अगर अमित शाह की तरफ से बीजेपी दिल्ली एक ट्वीट करती है तो आगे से जो आम आदमी पार्टी है वो दूर ट्वीट करता है। और सबसे बढ़िया सर मेरे हिसाब से ये कि नेता उतना कैमरा पे नहीं बोल रहे हैं जितना ट्विटर पर लड़ने में लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे लड़ी जा रही है, ट्विटर पर लड़ी जा रही है, जिसकी एक वानगी हमने आपको दिखाई। जब से क्योंकि सर चुनाव स्टार्ट हुए हैं तब से भी ये लोग मीम्स पे मीम्स शेयर किए जा रहे हैं दोनों पार्टियों से, कोई मीम्स के जरिए उनको दूसरी पार्टी को खराब बताने की कोशिश कर रहा है, कमियां निकालने की। ये आपको बताएं कि ये जो इनके वॉर रूम है कांग्रेस का, बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का, ये सारा खेल वहीं से खेला जाता है। और ये हम आपको बहुत जल्द दिखाएंगे दिल्ली तक पर कि कैसे वॉर रूम काम करते हैं, कहां से ये ट्वीट जो हैं उनके ऊपर अगले जो है हमला करने की तैयारी की जाती है। तो दिल्ली तक पर आपको चुनाव से जुड़ी हुई ऐसी ही तमाम किस्से कहानियाँ हम लोग सुनाते रहेंगे। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, दिल्ली की राजनीति भी जो है करवट बदलती जा रही है। बताइए और आपके पास कोई जानकारी? तो ट्विटर ही देखते रहें तो ट्विटर पे आपको सबसे ज़्यादा जानकारियाँ मिल जाएंगी, सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें मिल जाएंगी, ह्यूमर मिल जाएगा। क्योंकि भले वो मुख्यमंत्री केजरीवाल हों, मनीष सिसोदिया हों, अमित शाह मनोज तिवारी हों, सब लगे हुए ट्विटर पे, एक दूसरे पर जो है तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कुमार विश्वास का भी ट्वीट हमने आपको दिखाया था जिसपे आप लोगों ने, लाखों लोगों ने उस ट्वीट को देखा। तो ऐसे ही दिल्ली तक पर प्यार बरसाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।